हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि 17 + 17 = 2895, 18 + 18 = 3245 तथा 19 + 19 = 3615 हो तो 23 + 23 = क्या? देखिए, यहाँ पर जो रिलेशन लगा है उसी रिलेशन से ये वाली संख्या, यहाँ पर भी संख्या और ये संख्या भी उसी रिलेशन से फाइंड होगी। सभी में एक ही रिलेशन लगेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात करूँ कि 17 + 17 को अगर मैं जोड़ूंगा तो इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। अगर मैं 17 + 17 का गुना करूँगा तब भी इतनी बड़ी संख्या मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लॉजिक होगा जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और उसी लॉजिक से संख्याएँ मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर कितना दे रखा है, 17 और 17 से आपको क्या बनाना है, ये बनाना है 289। कितना? 289 और 5, यही तो चाहिए। देखिए, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लस ही करना है। आप डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, गुना कीजिए, कुछ भी करिए, आपको यहाँ आंसर लेके आना है। देखिए, अगर मैं 17 17 का क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, 17 17 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होता है, 289। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये 5 क्या आ गया, ये 5 आपने लगा दिया अपनी मर्जी से। अब वही यहाँ पर कीजिए, 18 18 18 18 का आप क्या करिए, गुना। यहाँ गुना किया, यहाँ 18 18 का मतलब 1800 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं, 324। लेकिन यहाँ पर 5 दिया गया तो देखिए, यहाँ पर 5 अपनी मर्जी से लगाया तो यहाँ पर भी 5 अपनी मर्जी से लगा दीजिए। उसके बाद दिया गया 19 19 19 19, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, 361 होता है। लेकिन 5 और दिया गया तो ये 5 सभी जगह अपनी मर्जी से चल रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर लगा दीजिए, 23 और 23 दिया गया है, दोनों का गुना, 23 23 का गुना मतलब 23 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 529 होता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 अपनी मर्जी से आप लगा देंगे तो 529 और 5 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे 529 और 5 डी ऑप्शन में है। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में लॉजिक आ गया, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको, देखिए दो ट्राइंगल दिए गए हैं प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पर 65 है लेकिन यहाँ पर मिसिंग नंबर है। तो जिस तरीके से यहाँ पर 65 आया है उसी तरीके से मिसिंग नंबर वाली संख्या आपको पता करनी है। तो ये जो 65 है ये किन संख्याओं से मिलेगा, ये जो बाहर वाली 3 संख्या है इनसे आपको 65 मिलेगा। ठीक है, इन संख्याओं से आपको 65 बनाना है। तो देखिए कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं जोड़ूंगा तो 65 नहीं मिलेगा, अगर मैं तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा तब भी नहीं मिलेगा, फिर तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 3 की जगह आप 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और जो ऊपर वाली संख्या है उसको मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ, तो 56 में 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 65 हो जाएगा। और 65 ही यहाँ पर बीच में दिया गया है, यहाँ नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ पर भी नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, 8 3 का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 24। ऊपर वाली को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 24 में 10 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर 34 हो जाएगा। 34 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुश्किल कब हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब प्रश्न मुश्किल हो जाता है। आगे प्रश्न समझ में, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प चुनिए। 4 विकल्प हैं आपके पास, शेर है, चीता है, घोड़ा है, जिराफ है। चारों के चारों यहाँ पर आपको जानवर इतना पता है, कॉमन इसमें से निकालना है, जो सबसे अलग होगा वो आपको निकालना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, शेर एक मांसाहारी जानवर है, चीता भी मांसाहारी है, लेकिन घोड़ा मांस नहीं खाता, जिराफ भी मांस नहीं खाता, तो 2 हो गए ये, हमको तो 1 निकालना है, तो इस तरीके से भी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक तरीका आपको मालूम है, कैसे मालूम है, आपको एक चीज़ पता है कि शेर भी एक जंगली जानवर है, चीता भी एक जंगली जानवर है, जिराफ भी एक जंगली जानवर है, लेकिन ये जो घोड़ा है ये क्या है दोस्तों, ये एक पालतू जानवर है, ये आपको मालूम है, ये क्या है दोस्तों, एक पालतू जानवर है। तो इन चारों में ये क्या हो जाएगा, घोड़ा सबसे भिन्न हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न, इस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, यही प्रश्न आपको गणित का मास्टर हीरो बनाता है। कैसे बनाता है, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। देखिए, यहाँ पर आपको संख्याएँ दे रखी हैं और संख्याओं के बीच में आपको खाली स्थान है,
यहाँ खाली स्थान पर आपको क्या करना है, ये जो चिन्ह है इनको सेट करना है और इस तरीके से सेट करना है कि सभी को गुणा डिवाइड करने के बाद उनका जो आंसर है वो 88 आना चाहिए, इस तरीके से सेट करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सर हमको क्या पता कैसे सेट करें, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, पहले इसको रख करके देखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे कि हम एक बार में ही पहचान लें। तो एक बार में पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक बार में पहचानने का तरीका, ठीक है। देखिए एक बार में पहचानेंगे कैसे, आपको लेना है डिवाइड वाला ऑप्शन। अब आप बोलेंगे डिवाइड तो इसमें भी है, इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी और इसमें भी, आपको डिवाइड वाला ऑप्शन लेना है और वो लेना है जिसमें सबसे पहले नंबर पर डिवाइड हो। तो सबसे पहले नंबर पर डिवाइड कहाँ दे रखा, पहले ऑप्शन में, ठीक है। ये मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ पहचानने का, डिवाइड वाला ऑप्शन लेना है और डिवाइड वाला ऐसा ऑप्शन जिसके फर्स्ट में ही डिवाइड दे रखा है। तो डी ऑप्शन एक ऐसा है जिसके फर्स्ट में डिवाइड दे रखा है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला डिवाइड दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड रखूँगा। फिर क्या दे रखा, गुने का साइन, मैं यहाँ पर गुना कर लूँगा। फिर दे रखा प्लस तो मैं यहाँ पर प्लस कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, सभी का सॉल्यूशन, अब हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे तो पैसे डिवाइड सॉल्व होगा। तो चार से मैं काटूँगा, 64 को कितनी बार में जाएगा, चार एक कम चार दो बचेगा 24 हो जाएगा, चार से काटेंगे, चार छिंग 24 16 बार में कट गया। इतने का पूरे का सॉल्यूशन कितना आया, 16। साइन किसका है, मल्टीप्लाई का कितना दे रखा है, 5 और प्लस का कितना, 8। अब क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो 16 25 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, प्लस का उसमें 8 करेंगे, 80 और 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए एक ही बार में हमने पहचान लिया कि जिस ऑप्शन में फर्स्ट में डिवाइड हो, फर्स्ट में डिवाइड हो वही आपका सबसे आंसर होगा। देखिए 99.9% यही लगता है दोस्तों जिसके फर्स्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 0.1% ऐसा होता है जिसमें कोई अदर रिलेशन दिया जाए, 99.9% यही रिलेशन लगता है जिसके फर्स्ट में डिवाइडेशन हो। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, लुप्त अंक ज्ञात करना है हमको। अब आपको एक सर्कल दिया गया है, लुप्त अंक कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैंने x लिख दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दिया है। x का मान क्या होगा वो हमको पता करना है, ठीक है। आपको देखिए जब ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि सबसे पहले रिलेशन बनाइए आमने सामने। तो 5 के सामने 9 है, रिलेशन नहीं बनेगा, आप जानते हैं। 11 के सामने आपका 6 है, रिलेशन नहीं बनेगा। जब इस तरीके से आपको रिलेशन नहीं बनना तो मैं इसमें आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो नीचे का है, यहाँ से लेके जो नीचे वाले पार्ट है सबका आप योग करके देख सकते हैं। 11 में 9 जोड़ूंगा 20, 20 में 3 जोड़ूंगा 23, 23 में 7 जोड़ूंगा, तो इस नीचे वाले का योग कितना आ गया पूरा 30। 11, 9, 20 फिर 23, 7 जोड़ा तो 30। तो यहाँ से नीचे वाले पार्ट का योग कितना आ गया, 30 आ गया, तो ऊपर वाले पार्ट का योग भी कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, ठीक है। जोड़िए 6 और 5 कितना, 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, तो यहाँ तक कितना आ गया दोस्तों, 15। हमको योग चाहिए 30, तो x की जगह हमें कितना लगाना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा, तभी तो 15 15 योग आपका 30 हो जाएगा ऊपर का। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 होगा। तो प्रश्न को इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से के प्रश्न के बारे में इस तरीके से भी आप सोचेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में क्या हो रहा है दोस्तों, दो सर्कल हैं यहाँ पर और यहाँ पर, बीच में एक्स दिया गया, मतलब एक्स का मान क्या होगा ये बताना है। जिस तरीके से यहाँ पर 31 आया है उसी तरीके से यहाँ पर एक्स का मान होगा। तो 31 किन संख्याओं से मिलेगा आपको, बाहर वाली जो संख्या है इनसे मिलेगा। तो देखिए ये जो बाहर वाली संख्या, मैं कुछ ऐसा करूँ कि 31 बनना चाहिए, तो मैं बाहर वाली संख्याओं को एक बार जोड़ लेता हूँ, 3 और 7 10 11 12 13। तो बाहर वाली संख्याओं का योग कितना आ गया, 13, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 31। मैं इस 13 को क्या करूं दोस्तों, पलट के लिखूंगा तो 31 ही तो मिलेगा मुझे जो यहाँ पर बीच में दे रखा है। फिर मैं यहाँ पर वही करूंगा कि बाहर वाली जो संख्या सबको जोड़ूंगा, 3 6 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 4 कितना, 14। तो यहाँ पर 13 आया था, मैंने उसे पलट के लिख दिया, यहाँ पर 14 है, मैं इसे भी पलट के लिख दूंगा तो 41 हो जाएगा। 41 आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा एक्स का मान। मैं उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।